अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, दिस इज़ योर मैथ लेक्चर। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 40 एंड वी आर ऑन यूनिट नंबर 3 विच इज़ बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन एंड होपफुली ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग योर वर्क ऑन डेली बेसिस। ओके, डेली बेसिस एंड अंडरस्टूड द लेक्चर्स वेरी वेल। सो मूव टू द एक्सरसाइज, मूव टू द टॉपिक। सो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज मीन खासियत, क्या उसमें प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से इसमें डिफरेंट हमारे पास खसूसियात हैं। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्सेल्फ। व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्सेल्फ मीन जब हम किसी नंबर में से सेम वही नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन डिफरेंस इज जीरो, देन द डिफरेंस इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हेयर इफ वी हैव सब्ट्रैक्टेड 11 माइनस 11, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 11 चॉकलेट्स एंड यू गिव अवे ऑल द चॉकलेट्स योर ब्रदर, हाउ मच डिड यू लेफ्ट? जीरो। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इज दैट इफ वी हैव सब्ट्रैक्टेड अ नंबर विद इटसेल्फ, विद द सेम इटसेल्फ मीन 11 माइनस 11, 5 माइनस 5, 120 माइनस 120, अगर हम किसी नंबर में से सेम वही नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट दी जीरो एज अ डिफरेंस। डिफरेंस मीन जीरो एज अ आंसर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ मीन जब हम किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन हम उसका डिफरेंस जो आंसर है वो सेम नंबर को ही हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी इज टू, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ वी हैव मल्टीप्लाई, सॉरी इफ वी हैव सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 0, इफ वी हैव सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम द 5, देन वी गेट सेम 5। लाइक दैट इफ यू हैव 5 बिस्किट्स, 5 बिस्किट्स, ओके, यू हैव टू गिव नथिंग टू एनी वन। ठीक है, यू हैव टू नो एनी कंपल्शन टू गिव वन बिस्किट टू अनदर। सो अगर आप किसी को उसमें से कुछ भी ना दें तो हमारे पास आंसर क्या सेम आएगा उसका, 5। अगर आपके पास 10 टॉफीज हैं तो आप उसमें से किसी को कुछ भी नहीं दे रहे तो आपके पास कितनी टॉफीज रहेंगी, 10। ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, when zero is subtracted from a number the difference is the number itself mean वो ही number same answer में लिखेंगे। then here the property third is, here the some example, 143 minus 0 becomes 143, 5789 minus 0 becomes 5789। okay, third property, when one is subtracted, then sorry when one is subtracted from a number we get the predecessor, predecessor mean previous number, predecessor mean previous number। so जब एक को किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हम उसका predecessor हासिल करते हैं, उसका आंसर हमारे पास predecessor आता है। जैसे 245 minus 1 becomes 244, the previous number, the predecessor। okay, here 2345 minus 1 so become 2344। okay, so the exercise 3.4 is based on the same concept, we have just applied the properties, when we are subtracting zero from another number we get the same number, when we have subtracted one from a number we get the predecessor 542, so becomes 541, when we have subtract a number from same from itself then we have get zero, 336 minus 336, answer is 0 here, minus 0, so what term comes here and answer becomes 2475। so यहाँ पे same यही term लिखेंगे क्योंकि 0 को subtract करने के बाद यही term आती है same, अगर यहाँ पे 0 subtract हो रहा तो mean यहाँ पे same term आएगी 2475। okay, here मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस वन हो रहा है, मीन यहाँ पे ये इसका आंसर प्रेडिसर है, यहाँ पे माइनस वन है, मीन यहाँ पे इसका सक्सेसर आए, मीन यहाँ पे अगर 1246 होगा तो यहाँ पे माइनस वन लिखेंगे, माइनस वन उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट दी प्रेडिसर ऑफ दैट टर्म,
mean here come the successors. So these are properties. Here 5743 minus box, and answer is also 5743. So what would be right here? Zero. क्योंकि zero को subtract करने के साथ ही हमारे पास answer same वही आएगा. ठीक है. So these are some properties that we have discussed. Okay. So learn and understood these properties very well and practice on your rough notebooks. Thank you.